आधार यू आई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है। ये अपडेट उन लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा जो लोग ऑलरेडी आधार सेवा केंद्र ओपन कर चुके हैं। तो जब भी वो किसी की आधार में कुछ भी अपडेट करना चाहते थे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको कुछ वहां पर डॉक्यूमेंट पहले से ही लिस्ट मिल गया था, उस लिस्ट के जरिए ही आप किसी का भी आधार में करेक्शन करना हो तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देगी, आप आधार करेक्शन करा सकते थे। लेकिन अब उसे बदलकर नया लिस्ट में तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आधार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में यहाँ पर एक पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर पूरा ही क्लियरली साफ साफ लिखा है, अब से अगर आप आधार कार्ड में एनरोलमेंट करना हो यानी कि नया आधार कार्ड अप्लाई करना हो या फिर अपडेशन करना हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है उसे आप क्लियरली पढ़ लीजिए क्योंकि ये जो है रिवाइज हो चुका है। इसका लिस्ट को देखने के लिए यहाँ पर देखिए प्लीज विजिट है, यहाँ पर लिंक है, आप क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, वहां पर भी आप जाके इस लिस्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि आधार नंबर में कोई भी अगर नाम चेंज करना हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो या फिर आपको नया आधार कार्ड अप्लाई करना हो, इन कंडीशन में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस वजह से देना होगा। जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे तो आपको ये वाला लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। पहला, जैसे कि आपको पता ही है इंडियन पासपोर्ट हम देते थे, ये क्या क्या में काम आएगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट के तौर पर आप दे सकते हैं, POA यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना फादर नेम चेंज किए हैं और अपना फादर नेम पासपोर्ट में सही है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को अगर आपको चेंज करना है तब भी आप इंडियन पासपोर्ट को दे सकते हैं। लेकिन सभी डॉक्यूमेंट में चार तरह का टिक यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। पैन कार्ड में देखिए, पैन कार्ड में ई पैन हो या फिर पैन कार्ड हो, POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर दे सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ इसमें है तो ये दे सकते हैं। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि पैन कार्ड में आपका फादर नेम नहीं भी आता है, इसीलिए यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर सकते, या फिर एड्रेस चेंज करना हो तब भी आप पैन कार्ड को नहीं दे सकते, सिर्फ आपका आईडी प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो उस टाइम आप दिखा सकते हो। इसी तरीके से रेशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आर्म लाइसेंस है, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, पेंशनर फोटो कार्ड है, इस तरीके से काफी सारा आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि रिवाइज किया गया है। 38 डॉक्यूमेंट आपके सामने यहाँ पर है। तो ये लिस्ट के जरिए ही जो लोग आधार सेवा केंद्र ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं, ये लिस्ट के जरिए ही आपको जो भी चेंज वगैरह हो करना हो या फिर एनरोलमेंट करना हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट देंगे तो मेरे हिसाब से UIDAI की तरफ से आपका जो है आधार कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप इस लिस्ट के साथ जाएंगे तो आपका आधार कार्ड जल्दी ही बन जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाएगा। साथ ही बता दें कि जो लोग ऑनलाइन पे भी अपडेट करते हैं आपको इसी तरीके से डॉक्यूमेंट देना है, वैसे तो वो OTP सिस्टम होता है, फिर भी आपको ये लिस्ट को एक बार देख लेना चाहिए। आई होप कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।